बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, आप देख रहे हैं खिदमत-ए-खल्क टीवी। आज मैं एक ऐसी कहानी और एक ऐसी दास्तान के साथ मौजूद हूँ। मैं देखती हूँ कि दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं, आप यकीन करें। ये वो सफ़ेद पोश घराना है जो खुद बीमार हैं, लाचार हैं और जिनके शौहर हैं वो चारपाई पे पड़े हैं। नाजरीन, ये वीडियो में आप कैमरा मैन आपको दिखा सकता है, इनका ऑपरेशन हुआ है टांग का, इनकी टांग में फ्रैक्चर है और जो इनके शौहर सोए हुए हैं, पहाड़ का ऑपरेशन हुआ है, उसके साथ ये चारपाई पे लेटे हुए हैं। पीछे बच्ची बैठी हुई है, साथ बच्चा बैठा हुआ है। आए इनसे इनके हालात पूछते हैं, इनकी दास्तान पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है माँ? ठीक है माँ, खैर। ये आपको क्या हुआ टांग? ये एक्सीडेंट था, मेरा लात टूट गया तीन जान, तो तीन जगह से लात टांग टूट गई। प्लेटा रखवाई बदिया विच छोटा जिया बच्चा है, आलू बाल बाल विच गुजारा करेंदे हैं। मेरे घर वाले दा परेशान दिया पे। ये रिपोर्टें आपके शोहर की हैं? जी हां, उन्हें रिपोर्टें। दिल दा मसला है, वाल कप्पे टुक्के पे, पहाड़ दा परेशान थिया पे। पहाड़ का ऑपरेशन हुआ है? जी हां। और आपकी इस टाइम जवान दो बेटियां? जी हाँ, दो बेटियां बेचंदी हैं। दो बेटियों की और एक बेटे की शादी हुई? जी हाँ। तो आपका बड़ा बेटा आपके साथ नहीं रहता? नहीं, कराची रहते। उसके अपने बच्चे हैं? जी हाँ, उनके अपने तीन बच्चे हैं। तो वीडियो में आपकी और दूसरी बेटी किधर है? वो मुजफ्फरगढ़ बहन के घर बच्चा थी, आप काम नहीं कर सकती हो। आप देखने वाले को क्या कहना चाहती है? मैं बस कारोबार वाली कहानी, बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं, मैं धीरे ना फर्ज पूरा करना है। मेरी खैर रिपोर्ट आगे रखी बैठिया, मेरी अपनी लात टूटी हुई है। मेहरबानी थी सके तो कश इमदाद सारे नाल करा गिनो। जी हाँ नाजरीन, ये कह रही हैं कि ये मेरे शोहर की रिपोर्टें हैं। ये देखें, ये इनके शोहर की रिपोर्टें हैं। हर जगह से इन्होंने इलाज करवाए हैं अपने शोहर के। पहाड़ का ऑपरेशन हुआ है और दिल का भी मसला है इनको, इनके शोहर को। सारी बॉडी कटी पड़ी है, ऊपर कपड़ा दिया हुआ है और ये खुद इनका पैरालाइज है टांग। तीन जगह से टांग टूटी हुई है और तीन जगह से टांग टूटी हुई है, ऑपरेशन करवाया हुआ है। ये चाहती हैं कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बेटा है वो आलू उबाल के बेचता है और घर का गुजारा होता है। दो जवान बच्चियां हैं। कोई देखने वाले बहन भाई को इतना अल्लाह दे कि वो मेरी बच्चियों का फर्ज टलवा दे, या कोई हमारी किसी भी किस्म की इमदाद हो, हमारी कराना चाहे तो हमारी करे। नाजरीन, आए बुजुर्ग हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बुजुर्गो? चंगे हाल है, ठीक है। क्या नाम है आपका? अल्लाह दिता। अल्लाह दिता। कब से आपका ऑपरेशन हुआ है? महीना 15-20 जाड़े थी, महीना ठीक है। किस चीज का ऑपरेशन हुआ है? हरणी का, दिल का मसला ही है। जी हाँ। और आपको और क्या क्या तकलीफे है? बच्चे निके निके, एक चार बेटे, दो शादीशुदा, दो कुआरे। मैं करड़े दे पिया, करण वाला कोई नहीं। सागु राशन मिले वंजो तो वो इलाके दो बच्चा ना साउने शादी किवें करी है। ये एक बेटा है आपका, ये आलू शालू बेचता है? ये आलू बेचता है बेटा, आलू बेचा ने गुजारा अपना चल दे माड़ा मोटा। ते बिया शादीशुदा है, मैं खटड़े ते सुता पिया, करण वाला कोई नहीं। दो बेटा है न बगैर शादीशुदा। मेरी कोई मदद थी वंजे, मैं खटड़े दे पिया। खावन तो कशा नहीं मिलती साकू, असा सारा करण वाला कोई नहीं। लड़के दे बेटे न, वो अपने बेटे नहीं करे साकू देवे। बड़ा मां तांगा, मेहरबानी थी संगे तो मेरे नाल इमदाद कोई करो। दो बेटियों की शादी भी करानी है, दो की। या दो बेटे की शादी करावनी, मैं कैसे करा? आप खटड़े दे सुता पिया, कमावण तो रह गया, सब गार तो रह गया, और क्या करा? मैं मजबूर हाँ, मेहरबानी करो। नाजरीन, ये कह रहे हैं कि मैं खुद चारपाई पे पड़ा हूँ, मेरी दो बेटियाँ, एक बेटा है बड़ा, उसके खुद छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी बीवी आपके सामने है, मैं खुद आपके सामने हूँ, मैं दिल का मरीज हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ है। अब सारी फैमिली का दारोमदार वो बच्चा, उबले हुआ आलू जाता है, बेच आता है, तो कुछ ना कुछ घर का गुजारा होता है। और उसके बाद ये आपके सामने चारपाई पे पड़े हैं। बस आप ये आखिर में यही बहन भाइयों को जो देखने वाले बहन भाई हैं, आप उनको इतना कहना चाहते हैं कि मेरे बेटियों की कोई फर्ज टलवाने के लिए कोई मदद हो जाए? जी हाँ, मेहरबानी करो जी। मैं और क्या करा, तो बेटा न बच्चा आलू बाल के वो बेचा दे गुजारा थी देवे। दो बेटे ने, एक बेटे दे सब चीज वो मजदूरी करके आंदे, मैं खटड़े दे पिया। दो बेटन शादी बगैर शादी शुदा है वो इस मेरे सिर ते नुमाए खटरे ते पिया मैं क्या करा, मजबूर हूँ। नाजरीन, आपने रिपोर्ट्स भी सारी देखी हैं, ये सारा कुछ आपके सामने। बुजुर्ग का भी इंटरव्यू हमने लिया, जैसे बेचारे बोल सकते थे। उनकी जवान बच्चियां हैं, उन्होंने उनका फर्ज टालना है। बच्चा मासूम आलू बेच के आता है, पढ़ाई, इस उम्र के बच्चे स्कूल जाते हैं, इस उम्र के बच्चे हर काम करते हैं। वो बेचारा मासूम आलू बेचने जाता है, अपने घर का गुजारा होता है। एक बेटा है, वो बड़ा है, उसके अपने छोटे छोटे बच्चे हैं। दो बेटियों की शादी हो चुकी है और दो बेटियां कुंवारी बैठी हैं। खुदा के लिए ऐसे लोगों का आसरा बने। और तमाम देखने वाले बहन भाइयों से मेरी गुजारिश है, उस मासूम बच्चे को कुछ छोटा मोटा कारोबार करवा के दें, या इनका महीने का कोई राशन हो जाए, या इनको कोई ऐसा, इनकी बेटियों का कोई देखने वाले के दिल में अल्लाह रहम डाले, कोई इनकी बेटियों को कोई भी देखने वाला बहन भाई इनके लिए दहेज का कोई भी किसी किस्म का इंतज़ाम हो तो करा दें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अल्लाह ताला आप तमाम देखने वाले बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आप तमाम देखने वाले बहन भाइयों को ज़िंदगी दे। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह निगहबान।